हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल, आपका मेरे चैनल कुक विद पायल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की चाट। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 6 उबले हुए आलू ले लिए हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इन सबको हम अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसे टिक्की का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें सारी आलू की टिक्कियों को शेप दे देंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने तवा ले लिया है, ये मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल। इसे गर्म होने देते हैं, फिर हम एक एक करके इसमें आलू की टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और कम से कम 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं एक तरफ से। 2 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक तरफ से कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। फिर हम एक आलू की टिक्की ले लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे, ये मैंने दही ले लिया है फेंट कर। ये एक कटोरी दही में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब शुगर डाल के अच्छी तरह से फेंट लिया था। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। ये मैंने कुछ धनिया के पत्ते ले लिए थे, उसमें 3 लहसुन की कलियाँ और 1 हरी मिर्च को अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया था। और ये इमली की चटनी ऊपर से डालेंगे। ये कुछ इमली को मैंने भिंगो कर रख दिया था, फिर उसे अच्छी तरह से मैश करके इसके ऊपर डाल दिया। फिर हम कुछ कटी हुई प्याज ले लेंगे, कटे हुए टमाटर ले लेंगे और उसके ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। फिर हम जीरा को मैंने भून लिया था तो उसका पाउडर बनाकर ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे। फिर ऊपर से हम नमकीन सेव डाल देंगे और कटा हुआ धनिया से ऊपर से गार्निश करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी आलू टिक्की चाट बनकर तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।